दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर देर रात चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस खाली हाथ लौट गई है। रात करीब 1 बजे पुलिस फोर्स यहां से चली गई, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने राहत की सांस ली। लेकिन अब किसान अपना आंदोलन और तेज कर रहे हैं। रात को ही पड़ोसी राज्यों से किसानों के जत्थे दिल्ली की ओर रवाना होना शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें, राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने साफ तौर पर मुजफ्फरनगर से ये चेतावनी दी है और उन्होंने कहा है कि भाई जितने भी लोग हैं, जहां भी हैं, वो दिल्ली की ओर कूच करें, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अब ये आंदोलन एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचा के ही रहेंगे। आपको बता दें, एकाएक कल दिन से गहमा गहमी शुरू हो गई थी गाजीपुर बॉर्डर पर, जब लगातार पीएसी की टीम वहां पर पहुंच रही थी, लेकिन आखिरकार रात 1 बजे ये सारी कंपनियां वापस लौटी। और आपको हम 4 तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह किसान आंदोलन के मुद्दे पर देर रात तक अफरा तफरी मची रही। देखिए, रात को पुलिस फोर्स बॉर्डर से लौटी, तब जाकर किसानों ने राहत की सांस ली है। उधर जींद में आंदोलन के समर्थन में किसानों ने सड़क जाम कर दिया, तो मुजफ्फरनगर में भी देर रात तक गहमा गहमी मची रही। आज यहां पर महापंचायत होने वाली है। मुजफ्फरनगर, आपको बता दें, ये गृह जिला है राकेश टिकैत का, और यहां पर जैसे ही सूचना मिली कि पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है, राकेश टिकैत की गिरफ्तारी हो सकती है, इसके बाद गहमा गहमी यहां पर तेज हो गई। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको हम बता दें कि किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए उपद्रव के 9 मामले दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिए हैं। तो यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में जो उपद्रव हुआ था 26 जनवरी के दिन, उसके बाद दिल्ली उपद्रव मामले में दिल्ली पुलिस ने 9 मामलों को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। अब यानी कि क्राइम ब्रांच जो है इन 9 मामलों की जांच करेगा। तो आपको बता दें कि लगातार सरकार का रुख कड़ा है और सरकार बिल्कुल भी नरमी बरतने के मूड में नहीं है। पक्की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर देर रात चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस खाली हाथ लौट गई है। जी हां, रात करीब 1 बजे के आसपास पुलिस फोर्स यहां से चली गई, जिसके बाद वहां मौजूद आंदोलनकारियों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि लगातार दिन से ही यहां पर पीएसी आरएएफ की टीम पहुंचने लगी थी, उत्तर प्रदेश पुलिस की यहां पर टीमें भी पहुंचने लगी थी। एकाएक यहां पर खलबली सी मच गई आंदोलनकारियों के बीच, और ऐसा लगा कि राकेश टिकैत को शायद गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आदेश भी कुछ इसी तरह के थे, क्योंकि गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि इस पूरे इलाके को, गाजीपुर बॉर्डर पर जहां पर लगातार 64-65 दिनों से जो आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं, उस इलाके को खाली कराया जाए, जिसके बाद ये टीमें यहां पर पहुंची। एकाएक खलबली मची, एकाएक हंगामा हुआ, लेकिन हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार रात 1 बजे के आसपास जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बीती रात 1 बजे की है, जब पीएसी और आरएएफ की टीम यहां से वापस लौट गई, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने वहां पर राहत की सांस ली है। लेकिन अब किसान अपना आंदोलन और तेज कर रहे हैं। और अब हम आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से किसान आंदोलन के मुद्दे पर देर रात तक अफरा तफरी मची रही। रात को पुलिस फोर्स बॉर्डर से लौटी, तब जाकर किसानों ने राहत की सांस ली है। उधर जींद में आंदोलन के समर्थन में किसानों ने सड़क जाम कर दिया, तो मुजफ्फरनगर में, जो कि गृह जिला है राकेश टिकैत का, वहां पर भी देर तक गहमा गहमी मची रही। आज यहां पर महापंचायत होने वाला है। आपको बता दें, सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता सीधे गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, बीते रात जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ वो हम सब ने देखा, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? देखिए श्वेता, जिस तरीके से देर रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा जो चला किसानों के बीच में, जो कि अफरा तफरी का माहौल था, पुलिस दोपहर 2 बजे से ही रात भर यहां पर रही, पैरामिलिट्री की फोर्सेस यहां पर तैनात की गई, ये था कि किसी न किसी तरीके से इस बॉर्डर को अब खाली कराना है। राकेश टिकैत जो कि किसान लीडर है, उनको गिरफ्तार होना था। लेकिन जब राकेश टिकैत ने जिस तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त करी, उसके बाद से ही एक तरीके से पूरी तरीके से आंदोलन, जो अगर कहा जाए, एक अलग रूप में नजर आया। धीरे धीरे करके रात को तमाम जो किसान संगठन है, जो आसपास गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, बड़ौत में रहते हैं, वो रात
रात को यहाँ पहुंचने शुरू हो गए। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अमूमन जो यहाँ पर भीड़ भाड़ थी वो कल और परसों के बीच में काफी हद तक छट चुकी थी, लेकिन देर रात के बाद एक बार फिर से यहाँ पर किसान जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। सुबह का वक्त है क्योंकि रात भर तक यहाँ पर राकेश टिकैत और उन लोगों का समर्थन जो है मिला, जिसके बाद अब जो किसान है काफी हद तक आराम कर रहे हैं, लेकिन कई किसान जो है वो धीरे धीरे उठना शुरू हो गए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में आपको ये दिखाना चाहूंगा कि कल जिस तरीके से दोपहर 2 बजे के बाद तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी और पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया था वो अब यहां से जा चुका है। यहां पर किसी प्रकार का ज्यादा पुलिस बल जो है वो फिलहाल अब नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल अगर ये बात की जाए तो आज मुजफ्फरनगर के अंदर भी जो राकेश टिकैत का गांव है वहां पर भी महापंचायत जो है वो होनी है। राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया कि अब ये आंदोलन जो है वो नहीं थमेगा जब तक सरकार इस पूरी तरीके से कृषि कानून को वापस नहीं ले लेती। यहाँ पर सुशांत ये भी बताइए, रात में अचानक से हमने देखा तस्वीर कुछ बदलते हुए हमने ये देखा कि बीच में एक वक्त ऐसा भी आया जब किसान जो थे धीरे धीरे वहां से जाना भी शुरू हुए, वो तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन एकाएक ऐसा क्या हो गया कि फिर से और ज्यादा संख्या में, बताया जा रहा है कि आज तो और हजारों की संख्या में बाहर से किसान वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 11 बजे के आसपास ये पूरी उम्मीद थी कि पुलिस जो है वो इस आंदोलन को यहाँ से पूरी तरह से हटाएगी, और कई सारे किसान जो यहाँ पर पिछले कई 2 महीने के आसपास के वक्त से यहाँ पर रह रहे थे वो धीरे धीरे करके जा रहे थे। मैं आपको कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरीके से कई सारे ट्रैक्टर्स हैं जो अभी भी पूरी तरह से पैक पड़े हुए हैं, यानी कि जाने की कमोवेश स्थिति यहाँ पर बन चुकी थी। लेकिन रात के वक्त अचानक से धीरे 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 करके जब राकेश टिकैत ने अपनी भावनाएं व्यक्त करें कि किस तरीके से उनके इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की गई है, साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी के आसपास के जो विधायक हैं उन पर भी आरोप लगाया कि उनको यहां पर मारने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, उनको धमकाने के लिए यहां पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने जब अपने लोगों से बात करी तो किसान संगठन एक बार फिर वापसी आना यहां पर शुरू हुए श्वेता, और लगातार ये जो संख्या बल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और फिलहाल यहां पर राकेश टिकैत और तमाम किसान लीडर्स का ये कहना है कि आज सुबह तक तकरीबन 5 से 10 हजार के आसपास ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो आसपास के जितने भी हैं, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, इन तमाम इलाकों से किसान जो है एक बार फिर से जुटेंगे और उसके बाद इस आंदोलन को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशांत तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच आपको हम बता दें गाजीपुर बॉर्डर पर फिलहाल स्थिति क्या है, ये आपको अब हम ग्राफिक्स के जरिए भी बता देते हैं। रात 1 बजे पुलिस टीम यहां से वापस लौटी, एम्बुलेंस और वज्र वाहन भी तैनात यहां पर थे जो कि पुलिस के साथ लौट गए। दरअसल गाजियाबाद प्रशासन ने आंदोलनकारियों को जगह खाली करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद एक्शन तेज हुआ, लेकिन इससे भड़के किसानों ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान कर दिया है। BKU यानी कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने एक तरह से सरकार को चेतावनी दे दी है। राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने साफ तौर पर यह कहा है कि अब ये पूरा आंदोलन एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचा कर रहेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि अलग अलग और जगहों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले से भी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर्स के यहां पर पहुंचने की बात कही जा रही है। पुलिस फोर्स की वापसी के बाद आंदोलन स्थल का जायजा लिया आज तक संवाददाता सुशांत मेहरा ने। गाजीपुर आंदोलन की देर रात के वक्त एक बार फिर से तस्वीर जो है वो बदलनी शुरू हो गई है। किसान एकाएक वापस आ रहे हैं और उसके साथ साथ प्रशासन की तरफ से जो गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा था उसको हटाने की जो कवायद थी अब वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। सड़कों पर जो लाइटें हैं जो कल पूरी रात को काट दी गई थी आंदोलन को खत्म करने के लिए वो अब फिर से जलनी शुरू हो गई हैं। पानी के कनेक्शन जो काट दिए गए थे वो वापस आने शुरू हो गए हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से खुद यहाँ पर टैंकर जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत की माने तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसान जो है वो लगातार अब वापस आ रहे हैं और यह आंदोलन जो है वो लंबा चलेगा और साथ ही साथ वो अब डटेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं हमारे साथ कोंडली विधानसभा के, ये बताइए कि रात के वक्त एक बार फिर आंदोलन जो है वो शुरू हुआ है, दिल्ली सरकार की तरफ से टैंकर जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। देखिए
किसान भाइयों के लिए किसानों के नेता राकेश टिकैत जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील की थी कि दिल्ली सरकार पानी की व्यवस्था कराए, इसलिए रात के इतने बजे हम लोगों ने यहाँ टैंकर लगवाने शुरू किए हैं। अभी और टैंकरों की यहाँ बढ़ोतरी हो जाएगी और हमारे किसान भाइयों को पीने का पानी मिल पाएगा। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी की सरकार ने जो किसानों का पानी, बिजली, लाइट बंद किया था, वे किसान को सबक सिखाने का काम किया करेंगे। किसान देश के अन्नदाता है और तीनों बिलों को लेकर जो विरोध कर रहे हैं वो तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आंदोलन खत्म हो गया, बिल वापसी हो गए। जब तक बिल वापसी नहीं होंगे ये आंदोलन चलता रहेगा। ये किसानों की जमीन से जुड़ा हुआ मसला है, ये किसान की रोजी रोटी जुड़ा हुआ मसला है। इसलिए हमसे जो दिल्ली सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से जो अपील की गई थी उसके लिए हम लोगों ने पानी की व्यवस्था किसान भाइयों के लिए कराई है और ये बिना हम राजनीति के, बिना पार्टी के करा रहे हैं ताकि हम सेवा भाव से उनकी सेवा कर सकें। और लगातार जब से आंदोलन शुरू हुआ है, जब से हम आज तक इनके सेवा भाव से सेवादार बनकर इनकी सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से अब किसानों की इस परेशानी को देखते हुए, क्योंकि राकेश टिकैत की तरफ से ये भी कहा गया है तो किसान कल से डटेंगे, पानी की जो समस्या है उसको लेकर के यहाँ पर बोरिंग भी की जाएगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की तरफ से अब किसानों के लिए इस तरीके से टैंकर जो है वो भेजाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। दिल्ली के बॉर्डर पर हलचल है। सिंगू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसान जमे हुए हैं। उधर मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई गई है। टिकैत समर्थक इस पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या हुआ क्या? जा रही मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए, लोगों को मार रहे हैं, प्रशासन ये अब क्या अभी जारी रहेंगे? गोली के सामने भी जारी आंदोलन को खत्म कर देंगे, साथ ही बीजेपी आंदोलन खत्म नहीं होगा। आप रो क्यों रहे? आंदोलन खत्म नहीं होगा। पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसान बर्बाद कर देंगे। राकेश टिकैत की आंखों में आंसू है और आवाज में दर्द। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। एक बार फिर सुनिए किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कहा। ये नहीं होगा। क्या हुआ क्या? ये मारने की साजिश जा रही मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए, लोगों को मार रहे हैं, प्रशासन ये अब क्या अभी जारी रहेंगे? गोली के सामने भी आंदोलन को खत्म कर देंगे, साथ ही बीजेपी आंदोलन खत्म नहीं होगा। आप रो क्यों रहे? आंदोलन खत्म नहीं होगा। पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसान बर्बाद कर देंगे। क्या क्या बात है? बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर दिए गए हैं, मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। नहीं करने का। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है, ये साजिश है। किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। दिल्ली में हुई हिंसा के खिलाफ राकेश टिकैत के खिलाफ मामला दर्ज है। ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की है, ऑपरेशन टिकैत की है। आप देख सकते हैं कि गाजीपुर में शाम से ही हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। पहले भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई, उसके बाद गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को धरना स्थल छोड़ने की वार्निंग दी गई। जैसे ही प्रशासन की तरफ से आदेश दिया गया, थोड़ी देर किसान नेता राकेश टिकैत ने मंच से अपने समर्थकों को संबोधित किया।
लाल किले पे ये लगा हुआ है कि वहाँ पे कौन लोग थे, उसकी पूरी जांच हो। उस आदमी की जो दीप सत्तू है, सिंधु है, वो किसके साथ में उसका कनेक्शन है, वो देश के सामने आना चाहिए। उसकी सुप्रीम कोर्ट से उसकी जांच हो, ये हमारी डिमांड है। ठीक है जी, ये हमने कहा है। जिसने भी करा है गलत करा है, तिरंगे का कोई अपमान सहन नहीं करेगा। अपना तिरंगे का वहाँ पे हुआ, उसके नीचे धार्मिक फ्लैग लगाया है। गाजीपुर बॉर्डर को खाली करवाने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल का इंतजाम किया गया, लेकिन टिकैत आंदोलन खत्म करने से मना कर दिया। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि अगर तीनों किसान कानून वापस नहीं होंगे तो वो आत्महत्या कर लेंगे। क्या बातें करी, मतलब एक तरफ गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी के लोगों को लगवा कर लोग किसानों को पिटवाने का काम कर रहे हैं। अब क्या यही रहेंगे, और जब तक सरकार से बातचीत नहीं होती ना ये धरना खाली होगा ना धरना स्थल छोड़ दूंगा। अनशन कर दिया, जब तक गांव के लोग ट्रैक्टर से पानी नहीं जाएंगे पानी नहीं पीऊंगा। आएंगे गांव के लोग, मैंने झंडे मांगे, 2 लाख झंडे मुझे किसान जनता ने दिए, मीडिया वालों ने भी दिए। आएंगे पानी गांव से आएगा तो पीऊंगा नहीं पीऊंगा। मतलब प्रशासन ने पानी हटा दिया, सारी सुविधाएं हमसे हटा दी, बिजली काट दी, ये गाँव लेकर आएगा पानी आएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच गहमा गहमी जारी है। बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि आज महापंचायत होगी और आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाएगा। हम नहीं कानून पर ज्यादा विश्वास करते भाई, कानून पर इतना विश्वास नहीं करते। कुछ है कोई अगनाल के एक दो तलवार खड़े ठाईरा की गए ना, मार ही दो, जांच होगी, जिस गिरफ्तारी होगी भाई उन्होंने बात होती। इसमें किसी की कोई सुना मशवरा नहीं है, सुन जाओ, किसी की कोई सुना मशवरा नहीं। कल को सुबह ही मुझे फरनगर का राष्ट्रीय मैदान है, जो राष्ट्रीय इंटर कॉलेज का है, राजकीय इंटर कॉलेज का, उसमें जो कुछ भी बात होगी, व्यवस्था बिगड़ो सुधरो, पर हमारी जिम्मेदारी मुझे तड़की वहां चलना।